है जी ईद उल फितर और अज दे साडे खास मेहमान अबू जान। हाँ जी, और नाले जी अबू बकर बन जा, मेरा लाहौर च रहिंदा है, लाहौरी मुंडा है। हाँ, जिसने सबक याद किया ना उसको छुट्टी ना मिली। वही साहब जरा ना जी, मेरे नाले रमजान च भी मैं किचन जरा ना संभाली रखा, तो हूं भी बेगम ने आख्या जी तुसी किचन संभालो क्योंकि मैं हले तिकर तैयार होना। मैं चलो तुसी फौरन तैयार हो जाओ क्योंकि हले ऐसा फैजा ने भी तैयार होना और बेगम ने भी तैयार होना, तो इस वजह तो मैं जरा ना जी हूं एक डिश पकानी है गोश्त की। मैं चलो मैं ये पका लेना और तुसी जरा ना फौरन तैयार हो जाओ। दाग ना लग जाए, इस वजह तू कपड़े जो उत्ते मैं ना इस तरह कर लिया हो। गोश्त जरा जो रात में लै गया उत्ते रखा हुआ चूल्हे से, ताकि थोड़ा जा गर्म होके अच्छी तरीके सफाई हो जाए क्योंकि बिलकुल ठंडा हो गया फ्रिज से पिया हो। इस वजह तो इन्हू मैं उत्ते रखा, मैं थोड़ा जो नीम गर्म होंगे ना तो फिर इन दोवे ना आसानी ना जरा ना सफाई भी आसानी हो जाएगी और उसके अलावा खून शून जो होंगे ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके रिमूव हो जाता है गोश्त के बिचों, और यह जायका जरा ना फिर बहुत प्यारा बनता है। उन्हें देर जरा ना मिसाला ऐड कर लें, टमाटर और मिर्चा जड़िया ना उन्होंने वाश कर लें जी अच्छी तरीके। इना ज्यादा बरीक कटने की जरूरत कोई नहीं क्योंकि वड्डा गोश्त है ना, कटे का गोश्त है, इस वजह तू ये मोटा मोटा भी होएगा ना तो ये गल जाएगा आराम आराम नाल। प्याज भी हो गया जी, हूं साडा रह गया अदरक और लसन, इनू भी छिल के ना इहदा पेस्ट बना लें। उस जिहड़ा ने जी साडा बिल्कुल ठंडा नहीं रहा, बस असी इना कि ही इनू जिहड़ा ना हीट करना सी क्योंकि ज्यादा अगर इनू पकावे है ना पानी दे विच ते फिर उस तों बाद दोबारा इह सही तरह गलदा नहीं और इहदा जायका भी खराब हो जांदा है। इस वजह तों इनू सिर्फ इना कि करना सी कि इह जिहड़ा फ्रीजर है सी ना इहदी ठंडक जिहड़ी सी ना उह इहदी खत्म करनी सी। उस तरह दा इह हो गया, इनू अच्छी तरीके नाल जिहड़ा ना जी धो लैंदे आ, साफ कर लैंदे आ और उस तों बाद फिर इनू जिहड़ा ना उत्ते चढ़ा देंगे। अदरक लसन का जरा पेस्ट है ना जी वह भी साडा हो गया तैयार। जी हम कढ़ाई जी है ना वो रख दी चूल्हे से और इन चला लें जी, और सब तो पहले इन जरा जी घी पाने। बस एक चम्मच जरा ना मतलब काफी है क्योंकि वड्डा गोश्त है ना तो ये अपनी चर्बी भी होंगी और अपना घी भी होंगे। गोश्त मेरा जरा ना जी वो वाश हो गया अच्छे तरीके, इन इतने रख दें ताकि जो पानी जरा रिमूव हो जाए और ए वाला कचरा जरा ना ये सारा निकले। ए बेटे बाहर रोड़ के आना, इस तरह उत्तर बाहर रोड़ के सब कुछ जरा ना जी असी इको बार ही जरा ना पा देना। और इतनी जरा ना जी गोश्त भी ऐड कर देने नाल ही। नमक जरा ना जी वो ऐड कर देने और बाकी मिसाले जड़े ना वो तकरीबन कोई 5-10 मिनट बाद ऐड करेंगे जो थोड़ा जरा मिसाले वगैरह जड़े ना नरम हो जाएंगे ना उस टाइम। आज दे इस कंडीशन में इन्हें जरा ना लिया के इन्हें उत्ते जरा ना कर देंगे बंद फिलहाल, और ये
तकरीबन 5 to 7 मिनट जिहड़े ना अग ते रखांगे और उस तों बाद फिर बाकी दे मसाले जिहड़े ना ऐड करके इहनूं हिला के इक जगह ते फिर जिहड़ा ना इसे तरह दा ढक्कणा बंद करके पकावांगे क्योंकि इह वड्डा गोश्त है ते इसने थोड़ी टाइम लैणा पकण दे इस वजह तों इहनूं जिहड़ा ना थोड़ा जिहा बंद रख के ही पकाना पएगा। हांजी ते अलहमदुलिल्लाह जी बाकी चीज़ां जिहड़ियां ना हो गईआं ने नरम, प्याज भी नरम हो गया, टमाटर भी नरम हो गया, ठीक है जी। और हुण इहदे विच जिहड़ा ना जी क्योंकि इहदा अपना जिहड़ा पानी ने छड़ना हुंदा है ना वह ज़्यादा खुश्क नहीं करना हुंदा, इस तों पहले ही असीं जिहड़ी है ना इहदे विच बाकी चीज़ां जिहड़ियां ना वह ऐड कर देणियां ने, जिहदे विच सरपरस्त जिहड़ी है ना जी हल्दी जाएगी, उस तों बाद नमक असीं पा चुके हाँ जी, थोड़ी जी काली मिर्च असीं पावांगे, और उस तों बाद थोड़ा जिहा जीरा, साबित खुशक धनिया, दही पा देंगे जी, और एंड ते लाल मिर्च जिहड़ी साडे कोल तैयार हुई हुई है ना जी वो पावांगे। बस जी साडे मसाले जिहड़े ना वो बिल्कुल सारे मुकम्मल हो गए ने जी, इन्हां नूं अच्छी तरीके नाल जिहड़ा ना जी हल कर दिंदे आ। और एक गिलास पानी दा जिहड़ा ना वो भी असीं इहदे विच ऐड कर दिंदे आ जी, इहदा ढक्कन जिहड़ा ना जी उत्ते ला दिंदे आ और इहनूं छड्ड दिंदे आ तकरीबन 15 to 20 मिनट जां 25 मिनट वास्ते, उस तों बाद आ के जिहड़ा ना इहनूं चैक करांगे। अलहमदुलिल्लाह जी अबू जान जिहड़े ना जी आ गए ने, और बेबू बकर बैठे फोन तो तेरे अबू ने किया सी आया तू बस देख लो अस्सलाम वालेकुम हाँ जी कैसी तबीयत है जी ईद मुबारक एक बार फिर खैर मुबारक और ठीक ठाक तबीयत से ठीक है बिल्कुल ठीक सारी खैर करिए इंशाल्लाह चलो बैठ हाँ जी अलहमदुलिल्लाह सालन जड़ा ने जी मेरा बेहतरीन तैयार हो गया चेक करो जी और ये जड़ा ना हम धनिया लिया के पाने हैं और इधर जड़ा ना चाय रखी हुई लेकिन दुध जड़ा ना फुल जमया होया सी ना तुहानू विच रखिया मैं ताकि जड़ा ना खुर जाएगा। ईद उल फितर और अज दे साडे खास मेहमान अबू जान हाँ जी पियो 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 चाय पियो मिलनी दा कर लिए ना पहले हाँ चाय पियो तुसी और नाले जी अबू बकर बन जा मेरा लाहौर च रहिंदा है लाहौरी मुंडा है हाँ याद उसने जी बेगम साहब ने इतने धनिया जड़ा ना उगाया सी और माशाला जड़ा ना इस्तेमाल के काबिल होया हो तो मैं अज जड़ा ना इतों ही धनिया लेके जाने और वो जड़ा ना हांडी च पाने ताज़ा ताज़ा हाँ जी इन्ना एक धनिया जड़ा ना जी मैं तोड़ लिया इन्हें बरीक बरीक कर लेने क्योंकि पत्तियां पत्तियां ही हैं ना सिर्फ थले हले इन्ना ज्यादा व्डा तो होया नहीं इस वजह तुम्हें अच्छी तरह जड़ा ना हम बरीक बरीक कट के ना फिर पाने धनिया मेरा साफ हो गया और इन्हू कर देने जी गार्निश हांडी जी ना मेरी बिल्कुल रेडी है बड़ी प्यारी खुशबू जी है ना जी धनिया की भी आ रही है और गोश्त की भी आ रही है जी माशाल्लाह बेगम साहबा भी जी है ना वह भी उधर सारे कमां नूं वेली हो के किचन ते आ गई हुई है और हुण पका रही है जी रोटियां फिलहाल असीं हाले तवे ते ही पकांदे पए लेकिन हुण असीं कल या परसों यह तंदूरी साडी जी है ना जी आई पई है यह हाला वेखो ना नवा जिहड़ा ना तंदूर बिल्कुल आया पिया इहनूं जिहड़ा ना असीं इंस्टॉल करना है हुण इहनूं कित्थे लाने आ किस तरह लाने आ यह हुण असीं जिहड़ा ना डिसाइड करांगे फिलहाल उन्नी देर सानू जिहड़ा ना तवे ते ही पकानी पैनी है रोटी इहनूं लाणा कित्थे यह हुण तू मैनूं दसना इक्को वारी बार बार उहनूं फिर बंदा ना पटदा फिरदा ना लाणा पटींदी नहीं जदों बाल इक वारी पटींदी गुल जांदी है इहदे हां इक्की जगह ते लाउणी पैंदी है जी हां जी ते इंशाल्लाह हुण कोई इक दो दिन तक जिहड़ा ना लाणे आ अज ते जिहड़ा ना मसे कम्मां च मसरूर रहे आ कल वी शायद कोई मेहमान च मान आ जावे कल वी मेहमान आणे आ हां जी ते परसों चौथ जिहड़ा ना इंशाल्लाह नूरे ते खुश करांगे तुसीं आखणा ते आप ही उहे कपड़े उ चादर आ रही है लेकिन मैं कपड़े चेंज नहीं किए मैं नाती हूं मैं
खाना छाना पका के ना किचन लुबेली होके फिर कपड़े बदल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना जड़ा नाल माशाल्लाह लग गया है और बेगम साहब जड़ा ने जी तकसीम कर दी पी है। सालन जी मैं पकाया सारे दस्या जी किस तरह पकया ठीक है। ऐजा सालन मैंने बनाया ठीक है। अब आपने सी नहीं करनी, मेरी औसतन निकल जाए, आपकी भी नहीं निकलनी चाहिए। सुबह सुबह गरम जो सेवियां खाई थी वो गरम गरम जनाब री जड़े ना खान लग पे ना करो। लीला जी तैयारी हो गई है पिंड जान दी और अबू जान भी जड़े ना वो भी तैयार हो गए ने, ता ही असि भी तैयार हो गए वरना सारी पहले रेहत हुई खली आई ते अबू जान उरी जड़े ना ईद पढ़ के ते डायरेक्ट इत्थे मेरे को आ गए ने ते वो कह रहे ने कि हाले मैं बाकी सारे बच्चियां नु जड़ा ना मिलना भी है जाके ते मैं अज वापस जाना है ते फिर जड़ा ना एक दो दिन बाद या कल या परसों जदों भी फिर जड़ा ना मैं आके थोड़े को रस ठीक हो गया। और ए बंदा भी सवेर दा सिर ते चढ़िया खला है लोरी मुंडा। मैं मामू को कब से कह रहा हूँ मुझे ईदी दे देंदे ही नहीं रे। अच्छा तो ईदी मिल जाएगी फिर क्या करोगे? फिर सुकून आ जाता बंदे। अच्छा फिर बंदे सुकून आ जाए एकदम पंजाबी से आ गए। चलो जी बराह जी तैयारी करने जी ईदी भी इन्होंने जाके देने उ जाके और इधर बेगम साहब भी पता नहीं तैयार हुए ने कि नहीं। हाँ जी की ख्याल है की हो रहा थोड़ा बेटे ज्यादा नहीं। हाँ जी माशाल्लाह जी बच्चे सारे तैयार हो गए ने। फैजू फैजू माशाल्लाह फैजा इधर ईदी आपने ले ली हुई है समझे ना सुबह भी ईदी आपने ली है अभी अभी कितनी ईदी और चाहिए आपको? ले दो। चलो अभी साथ जा रहे हैं ना बाहर कुछ खाएंगे पियेंगे फिर जाएंगे। क्या खाना है आपने? अच्छा बाहर अभी आपने खाना खा लिया ना तो अभी बाहर जाकर क्या खाना है आपने? क्या जी केक है? नहीं केक तो हम काटेंगे कब काटेंगे कब काटेंगे कब काटेंगे कब काटेंगे 17 अगस्त को हमने केक काटना है और फैजा की हैप्पी बर्थडे होगी उस दिन और इंशाल्लाह बहुत बड़ा केक काटेंगे इसकी। हाँ अब तीनों बच्चों की एक साथ कट्ठी मनानी है तीनों बच्चों की ना एक साथ कट्ठी मनाएंगे हम। तीन स्लाइस वाला जो केक होता है वो लाएंगे। हाँ वो ही लाएंगे इंशाल्लाह ठीक है ना। हाँ सबसे नीचे बिलाल ऊपर ऐजा ऊपर फैजो इस तरह नाम लिख लेंगे ठीक है ना। ओके हो गया बेगम साहबा की डेल ले। हाँ ओ माशाल्लाह बड़ी सेफली बच्चे भी तैयार हो गए ना उनकी ढेले ईदी चल पिंड ईदी केड़ी तेरी मेरी केड़ी ईदी होंगी यार तू मेनू सारे बहन भाई वास्ते ना छोटी जी रिक्वेस्ट है तुम जरूर कॉमेंट करके दसना है कि मियाँ बीबी की आपस में कोई ईदी होंगी है एदे पैसे मेरे पैसे मेरे पैसे एदे पैसे फिर कोई ईदी है साड़ी बनती बच्चे का हक बनता है वह कमान वाले नहीं है वह ईदी लेंदे ने जेड़ा बच्चा कमान वाला ना हो ईदी लेंदा जेड़ा बच्चा खुद कमान वाला हो जाए फिर वह ईदी के हकदार नहीं रहा ठीक है जी। और फिर वह ईदी देन के हकदार च होंदा अपने छोटे भैन भाइयों अपने छोटे कजनों या अपने कोई अगर भतीजे बन जो होने उन्होंने ठीक हो गया जी। और मियाँ बीवी का तो मैनू नहीं समझ आ रही कि ईदी होंगी थोड़ी। अच्छा मैं पिंड जाना है दो सौ बड़ा मैं नाल होना ना बाकी खर्चा नहीं लेना ज्यादा चलो 300 कर लेने और हाँ, 400 ज्यादा नहीं सिर्फ 1000 दे दो बस क्योंकि मैं बस ज्यादा नहीं तेरी खुशी है अपनी पांच दे दे नहीं हूं बस हूं ठीक है नहीं दो कर दो दो कर दो नहीं नहीं हूं ठीक है ए लो जी बल्कि सज्जे हाथ नाल फड़ाना सवाब होंदा नहीं अब चलो मैं नाल आना फिर कर लांगे लो जी ए सिर्फ और सिर्फ तेरा खर्चा है बस ठीक हो गया ना बच्चों का खर्चा मैं आपे कर लेता ठीक है। चलो जी और मेरा फैज बीबी ये देखिए छोटे नोट नहीं ले रहे हैं ये लो फैजा तू जी तो हो ही गए बच्चे
अब वो जितना है उतना ही उसने ईदी लेनी है ना। और माशाल्लाह कल दी चार बारी दीदी ले चुकी ये हूं ख्याल रखी ए या गुम होना तो उस बंदे नु लभना है ऐसा जड़ी है ना जी ओ कल दे ए दे तीन चार दफा इनू ईदी मिल चुकी हुई है और ओ ऐसा जड़ी है ना ओ जब्त करके तो उन्हें अपने गले च पा लेने जेडे ओ जमा कर दी भी ठीक है। लेकिन हुण असीं खुसूसी ध्यान करांगे कि फैजा दे पैसे जेड़े ना ओ सिर्फ फैजा कोल जाण। आई ना समझ अपने पैसे दे नजर रखनी है किसी दे पैसे दे नजर नहीं रखनी। मैं नार जा रहा ना और सुबह ओ तू बना के देना मैं दी मैंने बना के नहीं मेरे 200 ले ले या 300। अच्छा तो ठीक है ना तुड़वा के देता हूँ ना बना के देता हूँ चलो चले अभी 200-300। अच्छा आपको भी देता हूँ नहीं अभी नहीं मिलना आपको आपको 200 आपको मिलेगा 300 आपको मिलेगा ठीक हो गया तो वो बड़ा है ना ठीक हो। अच्छा चलो ऐसा करते हैं 200 आपको 200 आपको और 100 रुपया फैजा को ठीक है अब ओके हो गया चलो ठीक हो गया चले अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हो गई जी पिंड जान दी और चल के मिलने हैं बच्चे नु। हाँ जी तैयार हो जी चलो जी बैठो तुसी भी तैयार हो जी चल ना जी मेरी फूफो का घर रिसेंटली पीछे तकरीबन ना कोई 2-4 महीने हो गए अफसोस करते रिस्म रिवाज के अंदर भी है ते वो फिर असि जरा ना इतने आए सी बच्चे अगे चले गए फूफो के घर असि हूं इतने आए हैं इतो हो के ना तो हूं असं जाते पे जी फूफो मतलब बच्चों की फूफो के घर थोड़ी देर स्टे कर अपनी फूफो के घर हो लिया जी हूं उधर जाते पे अबू भी अगर चले गए बच्चे उन्होंने चले गए असं हूँ जाते पे उत्ते थोड़ी देर स्टे करना उस तो बाद फिर इंशाला घर निकलेंगे और ब्लॉग का एंड जरा ना इंशाला घर अपने जाकर हाँ जी असी उधरों आ गए ना बाजी को बैठे से 2 मिनट पानी शानी पीता उतू और उस तो बाद फिर अगे आ गए हैं कब्रस्तान तो एक किमें हो सकता कि अजीत का दिन हों और फिर अम्मी को ना आते बेशक शाम हो गई है लेकिन फिर भी असी जरा ना आना जरा ना वो मिस नहीं किया और दिल भी नहीं सी मतलब करता पाया कि ना आइए ईद का दिन आ अपनी अम्मी को जान तो पहले मैं सारे अपने भैन भाई जो वेखन वाले ना और उन्होंने बजुर्गान जड़े ना उन्होंने वास्ते भी खुशूसी दुआ करना कि अल्लाह तला जे जिंदा ने उन्होंने तंदुरुस्ती असा जे जिंदा ने उन्होंने अल्लाह तला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और जे इस दुनिया तो चले गए हैं अल्लाह तला उन्होंने गरीके रहमत अता फरमाए जन्नतुल फिरदौस चाला दुआला मुकाम अता फरमाए और सारी खुशूसी एक साढ़े नाल फैमिली अटैच है साड़ी माँ है USA तो सानू रेगुलर वाच करते हैं उन्हों का भी बेहद शुक्र गुजार हाँ और अल्लाह ताला उन्होंने भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और अक्सर जड़ा है ना तबीयत उन्हों की जी वो अप डाउन रही और खसूसी उस पूरी फैमिली वास्ते उस उन्होंने सारे बच्चों वास्ते भी खसूसी दुआ है जो उस अलावा भी बाकी सारे जिन्हें साढ़े नाल अटैच ने जिन्हों का साढ़े नाल रबता है जिन्हों का साढ़े रबता नहीं है सारे वास्ते खसूसी दुआ करने कि अल्लाह ताला उन्होंने हिफ्ज़ो ईमान च रखे जड़े चले गए ने अल्लाह ताला उन्होंने जन्नतुल फिरदौस चाला तो वाला मुकाम अता फरमाए और जड़े जिंदा ने अल्लाह ताला उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह कब्र ते आ गए हैं फातह खानी भी हो गई है और पानी शानी जड़े ना छिड़क दिता ऐप पर फड़ ला और यह तीन कबर जी ने जी सांझियां ने यह भी मेरी फूफो है वह भी मेरी फूफो है जिन्हें घरों असं हूँ हो के आए ना वो वाली और यह वाली जी ने जी अम्मी की कबर है सेंटर वाली और तीनों इको एज दियाँ ही है सन और कट्ठिया जी ने जी आके सौ भी गई ने अल्लाह ताला जन्नत चाला तो अल्लाह मुकाम अता फरमाए सारियां नू और उत्थे अगे जरा ने जी दादे की कबर है और चाचे की कबर है यह वाली जी कबर है नी जी एक मेरी दादा अबू की कबर है यह और यह वाले मेरे जड़े ने जी छोटे चाचा की कबर है और यह वाला मेरा कजन है जी पितरेर मेरा मतलब उस चाचे का पुत्र जड़ा ना उसकी यह कबर है जिसके पिछे तकरीबन 1.5-2 साल पहले कतल होया सी ना वो वाला थानू याद उसी मैं वीडियो भी विखाया वो वाला जड़ा ना जी ये उन्होंने कबर है मैनू कई कबर की तो निशानदेही है लेकिन कई की कोई नहीं है वैसे भी हम शाम हुई खिली है वापसी का भी टाइम है तो हम चलने जी वापस अल्लाह ताला इन्हों जन्नत चाला तो वाला मुकाम अता फरमाए और साढ़े जिन्हें भी वेखन वाले ने उन्होंने जितने भी प्यारे जड़े ने इस दुनिया तो चले गए ने अल्लाह ताला उन्होंने भी जन्नत चाला तो वाला मुकाम अता फरमाए और अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए थले रखे आमीन सुमा आमीन।